योर ऑनर, ये बयान पुलिस ने मेरे क्लाइंट को टॉर्चर करके उनसे जबरदस्ती लिया है। क्या ये सच है? क्या यो वरुण के दिस्कर आपका चाहता है वो चाहे कुछ भी कह ले महेश, अब बचेगा नहीं। इट्स ओवर फॉर हिम। नो मीरा, I fear this is the beginning of something. Your Honor, ये पूरा केस मनगढ़ंत, जिसकी कहानी पुलिस ने चुराई है दृश्यम नाम के इस नॉवेल से। विजय के नाम पर जिस बयान को इन्होंने कोर्ट में सबमिट किया, उसका एक एक शब्द इस नॉवेल से लिया गया। उसने फिर अपना खेल शुरू कर दिया। जैसा इन्होंने कहा, it's just the big thing. मतलब स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद विजय मेरे पास आया था। और राज साहब, एंडिंग में एक प्रॉब्लम है। क्या? हीरो जेल जा रहा है। पब्लिक को ऐसी एंडिंग पसंद नहीं आएगी। अगर पिक्चर को हिट होना है तो उसका जीतना बहुत जरूरी है। मेरे पास कुछ आइडियाज है, लेकिन उन्हें लिखने के लिए आपकी मदद चाहिए। बोलो। ये कहानी पांडिलिम की है ना? तो अगर वहां की पुलिस को बाकी में ऐसी कोई लाश मिल जाए तो आगे की कार्रवाई क्या होगी? पता कर सकते हैं। पुलिस में मेरी अच्छी खासी जान पहचान है। उसने जो भी जानकारी मुझसे मांगी, मैंने पुलिस से लाकर उसको दी, और उस जानकारी के बेस पे उसने एक एंडिंग तैयार की। मैंने एंडिंग सुनते ही उसको बोला था कि ये बहुत रिस्की है। वो भी इस बात से सहमत था, इसलिए हमने उस आइडिया को ही खारिज कर दिया। ओके, वो एंडिंग क्या थी बताएंगे? मुझे डर है कि कहीं विजय कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक है इनके इस केस में। समीर देशमुख की डेड बॉडी, जो इन्हें इतने सालों से कहीं नहीं मिली, वो ठीक इस नॉवेल की तरह इन्हें अपने पुलिस स्टेशन में मिलती। योर ऑनर, पुलिस स्टेशन एक ऐसी जगह है जो इनके डायरेक्ट कंट्रोल में आता है। पब्लिक को कोई आइडिया नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। सच तो ये है कि मीरा देशमुख हमेशा से ही साड़गांवकर परिवार को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मानती थी। सालों बाद जब पुलिस को उसकी लाश मिलती है तो वो उसे छुपा देते हैं और इंतजार करते हैं एक परफेक्ट प्लॉट का। डिफेंस ने एक अच्छी खासी कहा। साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। एज पर द डीएनए रिपोर्ट, ये स्केलेटन समीर देशमुख का है ही नहीं। क्या था वो क्लाइमैक्स? हीरो अच्छी तरह से जानता था कि पुलिस कभी ना कभी उस लाश को जरूर ढूंढ लेगी, और इसीलिए उसने उसी दिन से अपनी तकदीर को बदलने का काम शुरू कर दिया था। वो उसी दिन से एक ऐसी बॉडी की तलाश करने लगा जिसकी उम्र, कद, काठी बिल्कुल उस लड़के की तरह हो, और जिसकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई। और फिर एक दिन उसकी तलाश खत्म हुई। उस फ्यूनरल में हीरो को कोई ऐसा मिला जिससे उसने जान पहचान कर ली। धीरे धीरे हीरो ने उस आदमी से दोस्ती कर ली और अक्सर उससे मिलता रहा। हीरो ने पता लगाया कि इंसान के शरीर को स्केलेटन बनने में कितना वक्त लगता है। वो आदमी कर्जे में डूबा हुआ था। हीरो ने उसकी पैसों से मदद की और उसका भरोसा जीता। और जब उस लड़के की लाश गलकर स्केलेटन बन गई, तब हीरो ने अपने नए दोस्त को अपनी जरूरत के बारे में बताया। उस एहसानमंद ने अपने मददगार की मदद की और उसे उस लड़के का स्केलेटन दे दिया।